अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग पंजाब। फर्स्ट राइड आ गई है, गाड़ी मैंने दिलवा ली थी और आज है जुम्मा, 12:20 हो गए हैं। फर्स्ट राइड भी मैंने पिक कर रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा लेट निकलते हैं क्योंकि प्रे का टाइम होता है जुम्मे का, तो उसके बाद ज़रा काम स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट राइड आई है, CMS से उठाना है और दोबारा वापस लारी अड्डे जाना है। तो ये मैं कैंट की तरफ एंटर हो रहा हूँ, आगे आर्मी का चेक पोस्ट आएगा, क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड पे CMH हॉस्टल का गेट आएगा, वहाँ से पिक करना है और सीधा हम जाएंगे लारी अड्डे। पहली राइड उतार दी है जी बदामी बाग जनरल बस स्टैंड पे और अब नेक्स्ट राइड देख रहा हूँ। यहाँ पे नेट भी बड़ा स्लो चल रहा है लेकिन ऊपर से यहाँ पे सबसे बड़ी खुवारी ये है कि धूप है, छाँव वाली जगह यहाँ पे मिलती नहीं है। खैर नेक्स्ट राइड देखते हैं, जल्दी से यहाँ पे मूव करते हैं। फर्स्ट राइड लारी अड्डे उतार रही थी, आगे पत्ती चौक से राइड आई है सेकंड राइड और ये है भुपतिया चौक की। यहीं के एरिया भी ठीक है, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और रश भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से आगे मोटरवे बन गई हुई है और मोटरवे डलेंगे 1400 रुपये में उधर की KFC की है रायमंड रोड की, तो रायमंड रोड चलते हैं। सेकंड राइड भी उतार दिया रायमंड रोड पे और शुक्र है एरिया अच्छा मिल गया। अब यहाँ पे वहाँ पे लगाता हूँ गाड़ी और अपनी थर्ड राइड देखते हैं कहाँ की आती है। रखें ये छाँव है, यहाँ पे लगा लेता हूँ गाड़ी। राइड के बाद थर्ड राइड आ गई है और अभी तक दो राइडें की हैं, दो राइडों में 2150 रुपीज़ पकड़ ली हैं और थर्ड राइड है 600 की और इसको लेने जा रहा हूँ, जाके कस्टमर को पिक करते हैं। कस्टमर कहते हैं थोड़े जल्दी आ जाना, मुझे जल्दी है, मैं क्या मैं आ गया। ये LDA Avenue से राइड आई है जी। थर्ड राइड भी उतार दी है और टोटल मेरे पास कैश हो गया है 27 के करीब हो गए टोटल, 3 राइड्स ड्रॉप की और अब चौथी आ रही है, लेकिन ये मुझे ना फजूल सी लग रही है राइड। हाँ नहीं नहीं 4 किलोमीटर से उठाना है, इसको उठाने का फ़ायदा नहीं है, इसको स्किप करते हैं और यहाँ से गाड़ी बाहर निकालें और कहीं अच्छी सी जगह पर गाड़ी लगाते हैं और जाके चौथी राइड देखते हैं और उसको पिक करते हैं। आज फ्राइडे है, काम माशाल्लाह अच्छा है क्योंकि मैं अल्लाह तक बहुत लेट निकला हूँ आज, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काम अच्छा है, फॉरन राइड्स आ रही हैं और सुकून भी है और रात को ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि फ्राइडे को ही वीकेंड किस्म का स्टार्ट हो जाता है, तो वीकेंड वाले दिन काफ़ी राइड्स होती हैं और कल वैसे सैटरडे है, कल का कोई पता नहीं है, कल देखी जाएगी। फोर्थ राइड भी आ गई है जी, ये सामने रोड है रायमंड रोड और इसके यंगे इधर लेफ्ट करेंगे और यू टर्न उस तरफ खड़ा हुआ है। इनके कहाँ से पिक करना है, रायमंड रोड से पिक करना है और रिफाई यूनिवर्सिटी से और पार्क व्यू सोसाइटी उतारना है, तो पार्क व्यू यहाँ से 12 किलोमीटर मेगा से बनेगा अगर मैं LDA के अंदर से चले जाऊँगा। अगर मैं घूम के ठोकर वाली साइड से मुल्तान रोड से जाता हूँ तो वो मुझे लंबा पड़ेगा। खैर कस्टमर को पिक करते हैं, काम तेज़ आज क्योंकि जुम्मे और जुम्मे के बाद फिर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा काम और ज़रा ये कि धूप भी कम हो जाएगी और ज़्यादा काम हो जाएगा। खैर इसको पिक करते हैं और चलते हैं पार्क व्यू। चौथी राइड भी पार्क व्यू ड्रॉप कर दी है और अब यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे सिग्नल बड़े कम आते हैं पार्क व्यू में ना, बहुत ज़्यादा सिग्नल, थोड़ा मेन की तरफ चलते हैं, स्ट्रीट से बाहर निकलता हूँ और ये है जी पार्क व्यू। किसी ने बहुत बहस की तुम बजने लगा था, बचत होगी। खैर ये मुझे एक राइड आई हुई है, यही मैं लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया है ये। अब मुझे आई है 5 राइड है, 5th मेरी राइड है, गुलबर्ग जाना है इसमें वॉक टावर और राइड ठीक है, अच्छी राइड है, तो शुक्र है यहाँ से राइड मिल गई, नहीं तो ये जनाज का यहाँ से राइड नहीं मिलती जल्दी। राइड उतार दी है वॉक टावर गुलबर्ग
और अब यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 3:30 हो गए और गुलबर्ग में देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिल जाए तो ठीक है। ऐसी राइड आ रही है एक, वो यार राइड ये लगाते हैं इसको, नेट ही नहीं चल रहा यार, खैर आगे लगाते हैं गाड़ी। ये जी हमें मालम रोड वॉक टावर राइड और आगे जाके देखते हैं जगह ढूंढते हैं और नेक्स्ट राइड देखते हैं। वॉक टावर राइड तारी थी, उसके बाद एक और राइड आ गई है फोर्टिस स्टेडियम की 500 में और एमएम आलम पे खड़ी है कस्टमर दुआ के नाम से। ये है महमूद अली कसूरी रोड और जो लिबर्टी से आता है सीधा, तो यहाँ से गली से टर्न करते हैं और अभी तक जो मेरी अर्निंग हो गई है सारी राइडों की पिछली राइडों की मिला के 4600 और ये मैं जब ये ड्रॉप करूँगा तो 5000 हो जाएगा और उसके बाद टारगेट आज का मैंने रखा हुआ है कम से कम 7,000 से 8,000 का, तो 5,000 तो हो जाएगा इसका। तो यार क्या क्लास खड़ी है, ये मेरा लव है और नहीं डाले का अपना स्वैग है लेकिन मर्सिडीज ब्रो मर्सिडीज ही है। खैर चलते हैं कस्मों का पिक करते हैं और फोर्ट्रेस, यार फोर्ट्रेस वैसे इस टाइम ना जनाज गया है, फोर्ट्रेस मेरा रात के टाइम ज़्यादा काम है, इस टाइम तो वैसे ही वो फोत हुए होते हैं वहाँ पर, ना मार्केट खुली होती है ना कुछ, लेकिन कोई नहीं काम आज तेज है तो इंशाल्लाह हो सकता है काम मिल जाए। तो यहाँ से कस्मों को पिक करना था लेकिन हमें मालूम कितना लंबा यूटर्न है कि मुझे यूटर्न लेके आना पड़ा पीछे गली से होके, और अब ये ना हो कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और कस्टमर कह के मैं उस तरफ खड़ी हूँ और मेरा दिमाग खराब हो जाना है, लेकिन खैर यहाँ पे ही पिन लगी है कहीं पे यहाँ पे इसी में मैकडोनल्ड से ना हो। लेकिन जी फोर्ट्रेस स्टेडियम ड्रॉप कर दिया, अर्निंग हो गई है 5000 की और फोर्ट्रेस में इस टाइम फुल धूप वाला माहौल है और रश वगैरह कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी यार राइडें शो हो रही है, इसका मतलब ये कि आज काम बहुत ज़्यादा फास्ट है और पता नहीं क्या सीन है। खैर यहाँ पे कहीं पे लगाता हूँ गाड़ी तो उसके बाद देखता हूँ कि कहाँ की मिलती है राइड। राइडें तो आ रही हैं काफ़ी। ले जी फोर्ट्रेस से मैं प्राइवेट राइड पे चला गया था, मुझे फ़ोन आ गया था वहाँ से फ्री होके, फिर मैंने एक राइड पिक की थी गड़ी शो से और उसको मैं लेके आया हूँ इधर ओरिन लाइन के स्टेशन के पास जीटी रोड पे शालामार। अब यहाँ से एक नेक्स्ट राइड आई है अजमेर की, बैरियर से पहले अजमेर है वहाँ की, तो कस्मों का पिक करते हैं चलते हैं अजमेर टाउन। शालामार वाली साइड से राइड ला के मैंने उतार दी थी अजमेर और आगे मैं बैरियर टाउन एंटर हो गया और बैरियर टाउन से राइड आई है वापसी की घर वाली साइड की 1500 में और राइड लेने जा रहा हूँ। अभी टोटल मेरी अर्निंग हो गई है, मैंने मेरा आज का गोल था अर्निंग का कोई 7,000 या 8,000 लेकिन मेरी अर्निंग आज माशाल्लाह से 9,000 से 10,000 के करीब हो गई है, 9,500-9,000 तो हो ही गई है। तो ये लास्ट राइड है, मैं इसको पिक करूँ और मैं अभी निकलूँ घर की तरफ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।